Hello friends, this is Manjeet. Today in the series of lecture of ethics and integrity, this is the second lecture with respect to the essence of ethics. Previously we have learned about morality and ethics, difference between them, and also the significance of ethics. So today we'll be learning about human interface, what constitutes a human action, and complete a lecture on that. So before starting the lecture, follow us on Instagram, Facebook, Telegram channel, and do not forget to subscribe to our YouTube channel, which is UPSC_Ethics and Integrity Online, and hit the bell icon for further notification. So without wasting your time, let's start. Ethics and human interface. See, first of all, कैसा है कि ethics या कोई भी आप इंसान को आप ethical और unethical तभी बोल सकते हैं जब उसका जो भी action है उसको हम human action बोलेंगे. आप समझ के चलिए कि कोई भी action दो प्रकार में हम उसको उसमें उसको divide कर सकते हैं. जैसे कि पहला है actus hominis, human action that is not in control of humans. जैसे कि reflex action आपका, वो आपके control में नहीं है, तो हम इसको ethical और unethical में consider नहीं कर सकते. ये हमारे out of control में है. But actus humanis जो चीज़ है, जो कि हमारे control में है, इसे हम ethical या unethical बोल सकते हैं. जैसे कि stay home, nobody is immune from coronavirus. आप घर पे रह रहे हैं, ठीक है, आप सोसाइटी को और देश को बचा रहे हैं, पर जब आप बाहर घूम रहे हैं विदर प्रोटेक्टिव केयर, तो आप अपने कम्युनिटी को भी और अपने कंट्री को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हैं. तो प्लीज़ कमेंट बिलो कि कौन सा एक्शन आपका एथिकल है और कौन सा एक्शन आपका अनएथिकल है इन द कमेंट बिलो. ठीक है, सो होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द थिंग. इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा ज़्यादा करके फोकस एक्टस ह्यूमनिस पे ही होगा. जो भी हम एक्शन डिफाइन करेंगे वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए. बट हमें इसमें और डीप में घुसना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन ह्यूमन एक्शन होता है. तो उसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे उसके तीन क्राइटेरिया है. ठीक है, फर्स्ट है नॉलेज. आपको नॉलेज है उस एक्शन का, यू हैव वॉलंटियर्ड वॉलंटियरनेस, एंड थर्ड आप अपने फ्री विल पे कर रहे हैं उसे. ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं नॉलेज. नॉलेज में है द ह्यूमन एक्शन टू बी डन. फर्स्टली यू शुड हैव द सफिशिएंट नॉलेज. इतना सफिशिएंट नॉलेज है कि येस यू नो दैट थिंग, वो आपके नॉलेज में है. जैसे कि आपको घर पे रहना है तब भी आप बाहर जाके घूम रहे हैं, तो एथिकल है या अनएथिकल है. ठीक है, बट आपके पीपल कम ज़्यादा हो रहे हैं वो यू डोंट नो, यू डोंट हैव दैट नॉलेज, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर. अगर कम ज़्यादा हो रहा है दैट इज नॉट कंसिडर एथिकल और अनएथिकल. यू हैव द नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है तो दैट इज़ कंसिडर एज ह्यूमन नॉलेज, एंड आप एक्शन कर रहे हैं तो दैट इज कंसिडर एज ह्यूमन एक्शन. ठीक है, देन नेक्स्ट इज वॉलंटियरनेस. इट मीन दैट एक्शन टू बी एन ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्स ह्यूमन बींग टू बी अ कॉज ऑफ द एक्शन दैट शुड बी रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दैट इज वन कुड बी डायरेक्टली वॉलंट्री और वन कुड बी वॉलंट्री इन कॉज. सेम मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि ऑब्वियसली आप बाहर जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली वॉलंट्री है, वॉलंट्री वॉलंटियरली ले रहे हैं. आपको नॉलेज है तो आप वॉलंट्री इन कॉज भी है. जो भी अगर इश्यूज होते हैं आप बाहर जाते हैं या बहुत ज़्यादा क्राउड में घुसते हैं या क्राउड करते हैं, तो आप वॉलंट्री इन कॉज है, तो दोनों में आप लायबल हैं, आप पे जज किया जा सकता है. बट आपको ज़बरदस्ती नहीं किया गया है इधर कि क्राउड में लेके जाया जा रहा है, आप खुद गए हैं उधर, तो यू आर वॉलंट्री इन कॉज. जैसे कि आप इमेज से पता कर सकते हैं कि इनको ज़रूरत नहीं है तब भी ये हेल्प कर रहे हैं, तो दे हैव वॉलंटियर फॉर दैट. थर्ड इज फ्री विल. इट मीन्स एक्सरसाइज ऑफ चॉइस, दैट इज व्हेन हैविंग चॉइस इफ वन चूजिंग दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटकम एंड देयर बाय इज कंसिडर्ड एज ह्यूमन एक्शन. मतलब आपको चॉइस दिया गया है and you have chosen that thing,
तो दैट इज़ कंसिडर एज ह्यूमन एक्शन। यू हैव फ्री विल, आपको ज़बरदस्ती नहीं किया जैसे पहले था, उसमें तो कुछ आप अपने खुद से इनिशिएटिव लिया है, बस में आपको ऑप्शन दिया गया था फ्री विल में, यू हैव चूजन दैट, सो इट इज़ कंसिडर एज ह्यूमन एक्शन। जैसे कि ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, योर हाइट इज़ योर कर्मा बट योर वेट इज़ योर फ्री विल। सो इसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी समझ में आएगा फ्री विल का, ठीक है। यू हैव टू ऑप्शन टू बिकम स्लिम एंड टू बिकम फैट, बट यू हैव चूजन टू बिकम दिस और यू कैन बिकम दिस, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म on Instagram and Facebook and please join our channel on Telegram for free download of our Hindus marked paper. So thank you very much and hope to see you soon. Thank you very much.